नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे सीएजी रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में बिहार के नालंदा जिले से कई बड़े खुलासे सामने आए हैं, तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से खुलासे हैं। बिहार सरकार के मंत्री चुनावी भाषणों में, अपनी रैलियों में भले ही यह दावा करते हैं कि हम बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला रहे हैं, हमारी सरकार में सब कुछ अच्छा है, लेकिन भारत सरकार की एजेंसी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक या फिर महालेखा परीक्षक सीएजी ने यह दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, या हम कहें कि बिहार सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि कई की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में विकास कार्यों के नाम पर बड़े स्तर पर धांधली का मामला सामने आया है। कई की इस रिपोर्ट के हवाले से बिहार के कई अखबारों में इस घटना की कहानी को प्रकाशित की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि सीएजी की टीम जब योजनाओं के कार्यान्वयन की पुष्टि करने के लिए मौके पर पहुंची, तो वहां जाकर घोटाले के बारे में पता चला। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि धुरगांव गांव पंचायत की योजना संख्या 23/25/26 के तहत 2,73,000 रुपये खर्च कर ईंट सोलिंग के काम करने का दावा किया गया है। कई की टीम जब मौके पर जाकर मुआयना किया तो वहां ईंट सोलिंग का कोई काम नहीं दिखा। इस मामले के सामने आने पर जिलों के अफसरों ने कहा है कि योजनाओं में गलती से उस जगह का नाम टाइप हो गया था। कई की जांच में एक ऐसी फाइल मिली है जिसमें दर्ज जिले के सारे काम केवल कागजों पर हुई है, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि इस फाइल पर अफसरों के भी फर्जी साइन किए गए हैं। एक अन्य मामले में नगर पंचायत इस्लामपुर में 5,16,000 के खर्च से वार्ड संख्या 2 से 50 घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लघु समरसेबल टैंक लगाने का दावा किया गया था। आपको बता दें कि जिस जमीन पर ट्यूबवेल लगाने की बात कही गई है, उस पर समरसेबल ट्यूबवेल तो लगा है, लेकिन उस जमीन को गांव के एक व्यक्ति ने अपना बता दिया। इतना ही नहीं, जिस शख्स ने जमीन में वह ट्यूबवेल है वहां से गांव के किसी और व्यक्ति को पानी देने से उसने साफ मना कर दिया है। अब कैग की टीम इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से जांच में जुटी है। इसी तरह से ग्राम पंचायत अजयपुर में योजना संख्या 5/15/16 के तहत 62,000 रुपये की लागत से ट्यूबवेल लगाया गया था। जिले के अफसरों के कागजों पर तो ट्यूबवेल लगा भी दिया है, लेकिन जब इस योजना की जांच के लिए कैग की टीम पहुंची तो उसने चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। ट्यूबवेल जैसी कोई भी चीज़ वहां पे नहीं मिली। कैग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि नालंदा जिले में सरकारी योजनाओं में बड़ी धांधली हुई है, जिसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना में भी बड़ी धांधली का मामला सामने आया है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि नालंदा जिले में कई ग्राम पंचायतों में जल मीनार बनाने के नाम पर रकम खर्च हुई है, लेकिन कैग की टीम जब क्षेत्र के भ्रमण के लिए पहुंची तो ज्यादातर जगहों पर जल मीनार नहीं दिखे। आपको बता दें कि कैग ने जब यह रिपोर्ट जमा की थी उस समय उन्होंने इन क्षेत्रों की तस्वीर भी ली थी, उस तस्वीर को भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जमा किया है। आपको यह भी बता दें कि पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रैलियों में बिहार में जल नल योजना को लेकर राजद और लोजपा ने योजनाओं में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने उठाया था। विपक्ष के साथ ही आज बिहार सरकार में साझेदार जीतन राम मांझी ने भी नल जल योजना में धांधली की बात को स्वीकार किया है। ऐसे में अब देखना है कि जिस तरह से कैग की रिपोर्ट सामने आई है, ऐसे में नीतीश सरकार इन योजनाओं में गड़बड़ी पाए जाने वाले लोगों पर कब और किस तरह से सख्ती दिखाती है। आने वाले कुछ दिनों में बिहार में पंचायत चुनाव होने हैं, ऐसे में कैग की रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण मानी जाने ही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।